Hi guys, welcome back to Rinki's Angelican. We are doing weekly video for the week starting from 6th to 12th of August. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. यू नो इस हफ्ते कौन सी चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट. आई ऑल्सो होप यू गाइज आर चेकिंग द फ्लावर ऑफ द मंथ. ये महीने का फ्लावर ऑफ द मंथ ऑलरेडी लाइव है. इन केस आपने चेक नहीं किया, उसकी जो डिटेल्स है, लिंक है, मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो गो हैड एंड चेक द फ्लावर ऑफ द मंथ ऑल्सो. आई जेन्युइनली लव हाउ मच यू लव द फ्लावर ऑफ द मंथ. आप लोग सब मुझे बोलते हैं यार फ्लावर ऑफ द मंथ वाला वीडियो डालो. वी रियली रियली लुक फॉरवर्ड टू दोज वीडियोज. सो आई एम happy and glad that it really really helps you. Now let's begin with Aries. As usual, do tarot card aur ek angel message pull out karenge hum aapke liye. Dekhte hain is hafte Aries universe aapko kya bata rahe hain. एरीज सबसे पहले तो ना थोड़ा सा अग्रेशन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, कोई चीज की बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रखी हुई है. आपको ऐसा लग रहा है यार कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है. और एरीज ऑनेस्टली ये ओवरथिंकिंग ना अब आपको थोड़ी सी बैकफायर कर रही है. ऐसे लग रहा है ये ओवरथिंकिंग अब नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग में बदल रही है. थोड़ा सा ये हफ्ते आपको फोकस करना है अपने आप को काम डाउन करने का. ये जो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और अग्रेशन आ रहा है छोटी छोटी चीजों में, आपको पहले तो उसकी जड़ समझनी है. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा पास्ट को लेके अपने आप को हील करें. आपने अब तक अपने जो पास्ट है उसको लेट गो नहीं करा है, उसको फॉरगिव नहीं करा है. यूनिवर्स चाहते हैं आप अपना पास्ट लेट गो करें, फॉरगिव करें. मैं बताऊंगी ये हफ्ते जितना हो सके उतना ज्यादा जर्नलिंग करें. यू नो अंदर ही अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स है, कोई ऐसे इमोशंस है जो बहुत ज्यादा दब गए हैं. आपने उनको ना जो वजूद मिलना चाहिए, जो एनर्जी मिलके उसको खत्म करनी चाहिए, वो नहीं कर पाए हो. इस वजह से आज ना आप बहुत ही कैसे कह रहे हैं लो ऑन एनर्जी फील करो. ये पूरा हफ्ता ऐसे लग रहा है बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है. जो भी आपके एम्बिशंस विजन थे ना, ऐसे लग रहा है सबके सब इस वक्त दूर हो चुके हैं. बट एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं ब्यूटी, विच मीन्स आपको सबसे पहले जो बेबी स्टेप लेना है वो है टुवर्ड्स सेल्फ लव. हो सके अपने आप को उतना ज्यादा अप्रिशिएट करें ये हफ्ते, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप का वर्थ समझें, अपने आप को वैल्यू करें. आई लव माई सेल्फ, आई एम गार्डेड, आई एम प्रोटेक्टेड, यू नो समथिंग लाइक दीज. ये वाले अफर्मेशन यूज करें और अपने आप को हर वेल यू नो जस्ट अप्रिशिएट करें. दैट इज हाउ यू विल ऑल्सो इन्वाइट मोर सेल्फ लव इन टू योर सेल्फ दिस पर्टिकुलर वीक, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो एरीज आई होप दिस हेल्प्स, दिस ब्रिंग्स लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus. Taurus, as usual, do tarot cards or ek angel message. Dekhte hain is hafte universe aapko kya bata rahe. टॉरस मुझे ऐसे लग रहा है कोई ना कोई चीज में ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. देर इज समथिंग दैट फील्स लाइक अ कॉलिंग, मतलब कोई चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको तरक्की दिला सकती है, आपको जिंदगी में ग्रो करा सकती है. टॉरस थोड़ा सा हायर लर्निंग, हायर स्टडीज, एजुकेशन के बारे में सोचे. ऑल्सो अगर कोई चीज का पैशन हो तो उसे ना थोड़ा सा रिसर्च करके सीखे. मुझे ऐसे लग रहा है ये हफ्ता आपके लिए ना इज ऑल अबाउट गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज. जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करना है, जितना हो सके उतना पढ़ाई करनी है, उतना समझना है. एंड आई फील दैट इज गोइंग टू टेक यू टू अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पॉइंट. जैसे आप ये शुरुआत करोगे ना, मुझे ऐसे लग रहा है ऑटोमेटिकली एक कंटेंटमेंट क्वेश्चन आएगा कि यार हाँ चलो बहुत टाइम से जो चीज मैं सोच रहा था या सोच रही थी उसको ना विजन में से एक्शन होते हुए नजर आ रहा है. एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय टू यू टॉरस. ये ऐसे लग रहा है पैसे का भी कुछ ये हफ्ते एक अच्छा योग बन सकता है. आई फील कहीं ना कहीं से पैसे आने के चांसेस है, विच इज अ ग्रेट एनर्जी, ग्रेट वाइब्रेशन. तो टेल गॉड दैट यू आर रेडी टू रिसीव मनी. उसके बाद ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया, एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, अवेकन योर सेल्फ. अपने आप से पूछें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसके मिलने के बाद आप क्या करोगे. थोड़ा सा सेल्फ वर्क करें ये हफ्ते, क्योंकि जब तक आप वो सेल्फ वर्क नहीं करोगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या चीज का नॉलेज लेना है, क्या चीज में पढ़ाई करनी है, क्या चीज को आगे ग्रो करना है, क्या चीज को कैसे बढ़ाना है. तब जाके ये कंटेंटमेंट का क्वेश्चन आएगा. तो सबसे पहला जो एनर्जी है वो यही है कि अपने आप को अवेकन करें, अपने आप से थोड़ा समझने की कोशिश करें. ट्राई टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ अ लिटिल मोर दिस वीक. So yeah, Taurus, this is what we have for you. I really hope it helps.
brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, aap logon ke liye do tarot card aur ek angel message. Dekhte hain Gemini is hafte universe, angels, tarot aapko kya bata rahe hain. Gemini, aise lag raha hai आपके सराउंडिंग्स, आपके कोलीग्स, कोई ना कोई वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल लाइफ में ना कोई आपको बहुत नीचा दिखाना चाह रहा है ये हफ्ते जेमिनी. ऐसे लग रहा है जितना आप चीजें अच्छी करने की कोशिश कर रहे हो, जितना आप एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, हर वक्त कोई आपके सर पे बैठा हुआ है. ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों किया. इस पॉइंट पे ना आप आ गए हो कि आप लिटरली सोच रहे हो दिमागी दिमाग कि यार ये मुझे ये मेरे लिए सही जगह है या नहीं. सो थोड़ा सा ना थॉट प्रोसेस वहां दौड़ रहा है कि यार मुझे कुछ अलग करना चाहिए, मुझे जॉब स्विच करना चाहिए, मेरे को कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा और जगह पर भी डालना चाहिए. बट आई फील नो, यूनिवर्स इज टेलिंग यू थोड़ा सा गार्डेड रहो, थोड़ा सा अपने जो वॉइस है, ओपिनियन है, उस पर खड़े रहो. क्योंकि ऑफकोर्स ये सामने वाला आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, गिराना चाह रहा है, आपके नुक्स निकालना चाह रहा है. बहुत मतलब कैसे कह रहे हैं, हर वक्त ना कोई ऐसे इंसल्टिंग भी फील हो रहा है आपको. बट आई फील यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू होल्ड योर सेल्फ वेरी वेरी टाइट. This is not the time to give up. This is not the time to let go. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा टाइम और मतलब पेशेंस दिखाना है, क्योंकि ये जो जगह है ना आपके लिए तरक्की वाली है. यहाँ से आपकी ग्रोथ है, यहाँ से आपके पैसे बढ़ेंगे, यहाँ से आपके इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती है. मुझे ऐसा लगता है अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूँ ना, यही जगह आपके कोई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करा सकती है. सो इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा अपना भी अग्रेशन आप कंट्रोल करो, बिकॉज अग्रेशन में आर्ग्यूमेंट बहुत ही हीटेड हो सकती है. सो प्रोफेशनल लाइफ ना थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है जेमिनी ये हफ्ते. बट आई फील थोड़ा सा एनर्जी चैनलाइज करो, डाइवर्ट करो अपने पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वहां से आपको थोड़ा सा एक सुकून, एक कामनेस. बीट योर मदर, बीट योर वाइफ, ट्राई टू स्पीक टू समवन दैट यू रियली फील कनेक्टेड टू. थोड़ा सा बात करके मन हल्का करो एंड यूल बी ओके. सो एंजल्स आर टेलिंग यू कि कहीं ना कहीं ये हफ्ते थोड़ा सा अपने आप को लाफ्टर में ढालना है. जहां जहां खुशी मिले, जो जो चीज खुशी दे, वो चीज में थोड़ा सा फोकस ज्यादा करें, ताकि ये जो एनर्जी है ना हम उसको थोड़ा सा कम कर दें. सो या जेमिनी, आई रियली hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer, मैं आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज लाइक ऑलवेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. कैंसर, इट लुक्स लाइक अ ग्रेट वीक फॉर फाइनेंशियल फ्लो. मुझे ऐसे लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है. अगर आप कोई काम ऑलरेडी करते हैं, कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, ये हफ्ते कोई बिजनेस आइडिया आ सकती है. ये हफ्ते कोई पार्टनरशिप की प्रपोजल ला सकता है आपके लिए. एंड यू नो व्हाट कैंसर, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट. तो आप उसको ना खुली आंख और कान से सुने, और अगर हो सके तो थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करें वहां पर. ये हफ्ते आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन पैसे को लेकर बहुत अच्छी है. मुझे ऐसे लग रहा है अगर कुछ नहीं भी आ रहा ना सामने से, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने आप से पूछें व्हाट आर यू गुड एट एंड व्हाट यू'ड लाइक टू हैव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम. क्योंकि ऐसा लग रहा है ये हफ्ते ना कुछ तो ऐसा हो सकता है जहां पर ना एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बन के आ सकती है. एंड दैट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैन रियली रियली हेल्प यू, सूद यू. बिकॉज ऑनेस्टली राइट नाउ ना हर चीज में थोड़ी सी एक डीमोटिवेशन आई है, हर चीज में ना थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट आई है. तो अब आपको ऐसा लग रहा है यार क्या, यू नो, हर चीज इतनी मोनोटोनस हो गई है ना, तो कोई चीज करने का दिल ही नहीं हो रहा, मतलब मन ही नहीं लग रहा. बस करने के लिए लिटरली आप सब कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, बट आई फील देयर इज नो जॉय, देयर इज नो हैप्पीनेस. तो वो जो सुकून, जो हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं ना, वो यहां से आ सकता है. और ऊपर से आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कैंसर की, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. जो आपका इंट्यूशन, जो आपका गट बोल रहा है ना ये पर्टिकुलर हफ्ते, मैं चाहती हूँ आप वो सुने, मैं चाहती हूँ आप उसको फॉलो करें, उस पर अमल करके एक्शन ले, क्योंकि वो वाइब्रेशंस बहुत हाई लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है और आप ही के फेवर में है ये हफ्ते. सो या दैट इज प्रीटी मच इट फॉर यू कैंसर. आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए दो tarot card और एक angel message pull out कर रही हूँ, like always. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. लियो, जो पहला कार्ड आया ना, बहुत ही अमेजिंग कार्ड है. इसकी एनर्जी, इसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है. ये आपको बता रहा है कि कोई ना कोई चीज में आपको सक्सेस, कोई ना कोई चीज में आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी. आई फील ये जो आपका टाइम है ना,
इतने टाइम से जो मेहनत 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 करी थी ना, आई फील लियो उसका फल आपको ये हफ्ते दिखाई देगा, उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है आप जरूर देख पाओगे। बस मेरी एक ये एडवाइस रहेगी आपसे लियो कि ये जो जीत है, ये जो विक्ट्री है ना, उसको सर पे नहीं चढ़ने देना है। आई फील कीप योर फीट ऑन ग्राउंड। ए बी मैं ये भी बोलूंगी, आपके आपका जो जो लोगों ने साथ दिया है ना ये चीज पूरी करने में, एक जो विक्ट्री है, जो सक्सेस है, आप वो लोगों को भी एक्नॉलेज करें। ये हफ्ते जितना हो सके लोगों को भी अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है, वाइब्रेशन अच्छी है, अबंडेंस जरूर आएगा आप पर वो ना सर पे मत जाने दीजिए। तो थोड़ा सा आपके आसपास के लोगों को भी अपने साथ आगे बढ़ाइए, उठाइए। क्यों? क्योंकि आप बहुत केपेबल हैं, आपके पास बहुत पावर है, बहुत अथॉरिटी भी है। बट आई फील थोड़ा सा कई बार ना इमोशनली आप नहीं समझ पाते हो चीजें, थोड़ा सा ये हफ्ते इमोशनली भी समझें, इमोशंस को भी बैलेंस करके चले। कहीं ना कहीं पावर और अथॉरिटी के साथ एकदम यू नो गुरूर नहीं आ जाना चाहिए, तो थोड़ा सा वो चीज को ध्यान रखना ही पड़ेगा लियो ये हफ्ते। साइमल्टेनियसली आपका जो एंजल मैसेज आया वो है रोमांटिक पार्टनर, लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है ये हफ्ते। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। सो समवेयर ऑन दोज लाइंस इट लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स ग्रेट, मुझे ऐसे लग रहा है। थोड़ा सा फोकस करें लाइफ में, बस सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट थोड़ा सा मुझे एक जैसे ऐसे हल्की सी झलक दिख रही है, वो है एटीट्यूड प्रॉब्लम। थोड़ा सा एटीट्यूड को आप संभाल के रखें, बाकी एवरीथिंग लुक्स ऑन ट्रैक, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल फॉर यू गाइज। सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू वर्गो। वर्गो में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज लाइक ऑलवेज पुल आउट करी हूं। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। वर्गो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही इमोशनली हैवी वीक लग रहा है आपके लिए, इमोशनली बहुत ओवरवेलमिंग वीक लग रहा है ये आपके लिए। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हुई है आपके साथ, एक बिट्रेयल, चीटिंग, पैसे में धोखेबाजी, कहीं ना कहीं कुछ है जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर चुका है। अब ना आप से वो विश्वास वापस नहीं बन पा रहा है, सामने वाला आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, सामने वाला आपसे दोबारा से पैसे मांग रहा है। जो भी आपकी सिचुएशन पर से है, आई फील इस वक्त ना आपको सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। यू नो अपनी लाइफ में आपको फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इमोशनली आपका टाइम है हील होने का। वर्गो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर लोगे ना, अपने आप को हील नहीं करोगे और वापस वही ट्रैक पे जाओगे, तो ये जो सागा है ना हमेशा चलता ही रहेगा, ऊपर नीचे। जो आपकी स्टेबिलिटी आप ढूंढो ना लाइफ में, वो रह जाएगी। सो आई फील वर्गो थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज इमोशनली आप डेफिनेटली वीक हो, इमोशनली आप डेफिनेटली ओवरवेलम्ड हो। बट थोड़ा सा स्ट्रांग हेड बनके अपने लिए थोड़ा सा चॉइस और डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद एंजल्स बोल रहे हैं बाहर निकलने का एक रास्ता ये भी हो सकता है कि मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोशलाइज करें, थोड़ा सा बाहर निकलें, अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना, आप अपने शेल से बाहर निकलें। यू नो आप इतने कंफर्टेबल हो कि आपको कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं लगती है। जैसे आप अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा शेक करोगे, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। बाहर दूसरी दुनिया है, लाइक यू नो देर आर डिफरेंट पीपल हु विल कम इन टू योर लाइफ, एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इन अ बेटर वे। सो दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू वर्गो। I really hope it helps, gives you light, direction, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra, मैं आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। लीब्रा देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। लीब्रा मुझे ऐसे लगता है यू नो आपके पास एक पावर है जो आपको आने वाली सिचुएशन के बारे में बता देता है, या कहीं ना कहीं आपको ना हमेशा एक प्रोटेक्ट करके रखता है, एक बचाकर रखता है चीजों से और सिचुएशन से। आपका भगवान हमेशा हमेशा साथ देते हैं, मुझे इससे लगता है। आपका इंट्यूशन, आपका गट भी बहुत स्ट्रांग है, बट आपका जो फोकस है ना ऑनेस्टली स्पीकिंग लीब्रा, वो थोड़ा सा लैकिंग है। दिस इज अ कार्ड ऑफ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेज। मुझे ऐसे लग रहा है ये हफ्ते फैमिली में डिस्टर्बेंसेज आ सकते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती है, पैसे को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देख सकते हो आप। सो समवेयर आप अपना फोकस वापस लाइए, थोड़ा सा ट्रैक पे आने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है सब बिखरा हुआ है इस वक्त। सो लीब्रा इट जस्ट फील्स लाइक यू आर ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन शेप, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रे ऑफ होप। इट्स जस्ट टेलिंग यू थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करें, भगवान से
हेल्प मांगे, यूनिवर्स से हेल्प मांगे, बिकॉज देर इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू, देर इज समथिंग दैट कैन गाइड यू, और जो आगे का रास्ता आपको अच्छा बताएगा. सो समवेयर यही मुझे एक उम्मीद की छोटी सी किरण दिख रही है, बट इट कैन रियली चेंज द गेम फॉर यू इन अ ग्रेट वे. सो आई वॉन्ट यू टू चैनलाइज योर एनर्जी स्पिरिचुअली दिस वीक, बिकॉज फैमिली में बहुत 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 मुठभेड़ है, यू नो, इट जस्ट फील्स वेरी वेरी अग्रेसिव. पैसे को लेकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत प्रॉब्लम्स, इट इज अ वेरी हैवी कार्ड इफ यू लुक एट, यू नो, इट जस्ट फील्स सब कुछ बिखरा हुआ है. नाउ यू नो विद दैट टाइनी किरण, टाइनी रे ऑफ होप, लीब्रा ये जो कार्ड आया है वो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू होल्ड थिंग्स वेरी टाइट, यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू होल्ड थिंग्स वेरी पॉजिटिवली. अच्छा सोचें तभी अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचें तभी पॉजिटिव होगा. यू नो, आपको अपनी एनर्जी नेगेटिव नहीं बनानी है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है. सो वंस यू डू दैट, यू नो, थिंग्स विल टर्न योर वे इन अ पॉजिटिव वे. सो या लीब्रा, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Scorpio. Scorpio, आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रहे हैं. देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. स्कॉर्पियो, ये जो कार्ड आया हुआ है ये हमें यही बता रहा है कि कहीं ना इस हफ्ते आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा, आप बहुत लोनली हो जाओगे. ऐसे लग रहा है सब लोग होते हुए भी मेरे साथ आज की डेट पे कोई नहीं है. सो समवेयर यू नो दिस इज अ कार्ड विच इज आस्किंग यू टू स्टैंड फर्म, मतलब डट के खड़े रहो यार, अकेला तो अकेला ही सही. क्यों? क्योंकि आपकी आइडियाज, आपकी विजन अमेजिंग है. लोगों के थॉट प्रोसेस शायद आपसे मैच नहीं हो रहे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दें. इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ चलो हो गया हो गया, शट द बुक एंड नेक्स्ट चैप्टर. नहीं, आपका खड़े रहना जरूरी है. क्यों? क्योंकि यही आपको लीड कराएगा, यही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा. अगर इसी वक्त आपने अपनी आइडियाज, अपनी थॉट्स छोड़ दी, अपना डायरेक्शन, अपना विजन छोड़ दिया, पता है आप फिर ये वाली सिचुएशन पे आ जाओगे जहां पर आपको खुद के अंदर कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा. ऐसे लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया है, पूरी कमाई, जमा पूंजी जिसको हम कहते हैं, पूरी जिंदगी की जो चीज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो मिली और आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया. So, you know, it is a period which could be a little sensitive for you. थोड़ा सा sensitive हो सकता है, but I really want you to stand strong because God is giving you the power. भगवान आपको वो शक्ति, वो energy दे रहे हैं कि आप डट के खड़े रहें और अपनी जो ideas है उस पर चले. हार जीत के बारे में हाल फिलहाल मैं नहीं बोलूंगी, बट मैं ये बोलूंगी ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद एंजल मैसेज जो आया आपके लिए वो है मिरेकल हीलिंग. जो भी आप ऊपर वाले से चाहोगे ना वो आपको हील कर देंगे. ऐसा एक मिरेकल होगा कि जो भी आपको अंदर ही अंदर पकड़ के बैठी हुई है ना, एक एनर्जी जो आपको बहुत लो, बहुत डाउन फील करा रही है, यू विल गेट बेटर, यू विल फील पॉजिटिव, यू विल फील नाइस. सो भगवान आपको वो यू नो एक जादुई टच देके जाएंगे एंड यू विल सीरियसली स्टार्ट फीलिंग अ लॉट लाइटर एंड बेटर. सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, मैं आप लोगों के लिए दो tarot card और एक angel message pull out कर रही हूँ. Sagittarius, देखते हैं इस हफ्ते universe, angels आपको क्या बता रहे हैं. Sagittarius, this is a card which is talking about multitasking. Sagittarius, I feel आप बहुत amazing हो in terms of multitasking. 100 चीजें एक साथ कर सकते हो. So why not? आप अपने ऊपर doubt मत करो, अपने आप को restrict मत करो. I feel it is a time to do everything possibly that you can. Sagittarius, this is a great card to multitask. मतलब universe आपको बोल रहे हैं कि आप multitask कर सकते हो. आप में वो you know energy, enthusiasm, जज्बा सब कुछ नजर आ रहा है. तो आप अपने ऊपर doubt क्यों कर रहे हो? आप slow जाने की क्यों बातें कर रहे हो? I feel no time to go slow. आप जो स्पीड से चल रहे हो वही स्पीड आपके लिए जरूरी है. काफी सारी क्रिएटिव चीजें भी आप कर सकते हो ये हफ्ते. आपके पास पावर है, जज्बा, प्रोफेशनली ग्रो करने का पीरियड है. तो कहीं ना कहीं आपको सामने अपने पीयर्स से, अपने कोलीग से, अपने सीनियर्स से कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन भी मिल सकती है एंड यू विल फील सो कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट. तो जो सेल्फ डाउट हम देख रहे थे ना वो ये अप्रिसिएशन से कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएंगे एंड यू विल फील नाइस. बट इन अडमिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस ये जो कार्ड आया है वो है क्वाइट टाइम. मतलब इतना जो आप बिजी हो, इतना जो आप हासिल कर रहे हो ना, वो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा क्वाइट टाइम ले लीजिए अपने लिए. थोड़ा सा यू नो जो आपका अंतर आत्मा बोलना चाह रही है ना वो सुनने की कोशिश करें. मतलब ये हफ्ते कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी
एक हाथ घंटा निकालें अपने लिए जहां पर जस्ट आप और आपकी जो एनर्जीज है उनके साथ बैठे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको अपनी अंदर की आवाज वो आप सुनने की जरूर कोशिश करें. सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू सैजिटेरियस. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. वी मूव टू कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न, टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. कैप्रिकॉर्न, ये जो टाइम है ना आपका बहुत क्रूशियल है. ये टाइम है आपका कोई चीज को एक्शन करने का. बहुत ज्यादा दिमाग में सोच रखा है, बहुत ज्यादा दिमाग में ये टॉपिक और बैठी हुई है. उसके बारे में प्लान तो बहुत हो गया, पर एक्शन कुछ भी नहीं है. कैप्रिकॉर्न, ये जो टाइम है ना वो यही बोल रहा है कि यार एक्शन करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो. आप बैठे हुए हो, मतलब लाइफ को जैसे चल रही है वैसे चला रहे हो. नहीं कैप्रिकॉर्न, इट्स टाइम टू विजन, इट्स टाइम टू पिक अप थिंग्स, इट्स टाइम टू ग्रो. अगर आपके अंदर वो पावर जब तक नहीं आएगा तो आप अपनी जो विशेज है वो फुलफिल ही कैसे कर पाओगे. मुझे ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जी इतनी लो हो गई ना, हाँ ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो. नो, इट्स टाइम टू पिक अप. अपने आप से बैठे, अपने आप से बात करें, अपने आप से पूछे व्हाट इज योर आइडियल लाइफ. सो वर्क ऑन ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स जो आप लो फील कर रहे हो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी पर्सन के वजह से है. कोई पर्सन की एनर्जीज आप पर बहुत ज्यादा हावी पड़ रही है, इतना ज्यादा कि आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो. मतलब एक ही घर में रहते हुए ना आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है. सो समवन इन द फैमिली कुड बी पॉसिबली जो आपकी एनर्जी थोड़ा सा लो कर रहा है इस वक्त, आपको नोइंगली अनोइंगली थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है. तो वो चीजें ना आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है. कैप्रिकॉर्न, आई नीड यू टू पिक योर गेम अप राइट नाउ. उसके बाद जो कार्ड आया, एंजल मैसेज ही आया हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिटॉक्सिफाई ऑल दैट यू बीन होल्डिंग ऑन टू वेरी वेरी लाउड एट दिस पॉइंट. जितना हो सके रिलीज करो, भगवान को, यूनिवर्स को लेटर्स लिखो, व्हाट्स गॉन इज गॉन, नाउ लुक फॉरवर्ड टू बेटर थिंग्स इन लाइफ एंड स्टार्ट actioning. Yeah, Capricorn, so I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Let's see how this week particularly looks like for you guys, Aquarius. Aquarius looks like a great week. Mujhe aise lag raha hai, Aquarius. Someone could really help you. जो आपके आइडियाज, जो आपके थॉट प्रोसेस सब बिखरे हुए हैं ना कोई किसी ना किसी से आप ये हफ्ते थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करें, बैठकर बात करें. क्योंकि किसी की एनर्जी आपको ना हील कर सकती है, किसी की एनर्जी ना आपको अच्छा फील करा सकती है, कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी आपको बहुत ट्रांसफॉर्म कर सकती है इन अ गुड वे. उसके बाद आपका जो पीरियड है ना एक्वेरियस, वो यही है कि यार अपने आप को हील करो. जो भी पास्ट बैगेज, पास्ट ट्रॉमा आप इकट्ठा करके बैठे हुए हो ना, ये जो वीक है सिर्फ और सिर्फ हीलिंग का वीक है. जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में जाएं, जितना हो सके ये हफ्ते एक कैंडल लाइट करें विद एन इंटेंशन टू हील योरसेल्फ अप. जैसे आप वो सारी चीजें करेंगे आई एम श्योर यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर. हो सके यूनिवर्स बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं, अगर हो सके तो एक ब्रेक ले लें ये हफ्ते, वेकेशन ले लें ये हफ्ते, या प्लान करें ये हफ्ते समथिंग विच रियली नीड्स. लाइक एक ना मोनोटोनस चीजें हो रही है आपकी लाइफ में, हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं ताकि आप रिजुविनेटेड आओ और बहुत एंथुजियाज्म और पावर के साथ आओ. इस वक्त आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए मुझे लग रहा है ओनली एंड ओनली टू हील योरसेल्फ अप. क्योंकि जो पास्ट बैगेजेस है ना वो बहुत डीपली अंदर रूट हो गए हैं. हमें इस हफ्ते कोशिश करनी है सारी जो डीप रूटेड एनर्जीज है उनको वैनिश करने की. सो या एक्वेरियस, आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Pisces, let's see what this week looks like for you guys. Pisces, ये जो card आया है वो हमें यही बता रहा है आपकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है ना लाइफ की वो बहुत अच्छी है. तो ये हफ्ते जितना ज्यादा अपना टू डू लिस्ट बनाओगे पाइसिस, उतना ज्यादा काम कर पाओगे. जो अपना विजन है, जो अपनी चीजें ना बहुत क्लियरली लाइक लिखनी है आपको ए टू जेड की, मुझे ये कैसे भी ये हफ्ते पूरा करना है. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है. ऐसे लग रहा है आप 100% अपनी टू डू लिस्ट का काम कर लोगे. सो इट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव वीक फॉर यू गाइज. मुझे ऐसे लग रहा है बिजनेस में भी ग्रोथ, बिजनेस में भी तरक्की दिख रही है डेफिनेटली. साइमल्टेनियसली सम न्यू आइडियाज कुड पॉप अप, सम न्यू थॉट्स कुड पॉप अप, जहां पे आप एक्शन लोगे, फर्मली खड़े रहोगे और वो चीज भी पार लगा दोगे. तो यू नो दिस वीक इज ऑल अबाउट
कीपिंग दिस ओपन, कहीं ना कहीं जो अगर लाइट जल रही है ना तो वो लाइट को एक्नॉलेज करो और वो आइडिया को पट 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 बुक में लिखो और उस पर फोकस करके आगे बढ़ो, राइट? साइमल्टेनियसली एंजल मैसेज इज अवेकनिंग योर ट्रू सेल्फ. अपने आप को समझें, अपनी लाइफ का एक पर्पस, एक डायरेक्शन बनाएं, दूसरों की एनर्जी से इतने ज़्यादा इंपैक्ट ना हो कि अपना सारा काम खराब करें, है ना? तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को अवेकन करें, उसको अपना पावर बनाएं और उसी डायरेक्शन विजन पे फोकस करके आगे बढ़ें. सो या That is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.